हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? लाजवाब, बढ़िया एकदम। तो अभी हमने जो सिलेबस आपका कवर कर लिया है, अभी तक के सिलेबस में अगर हम देखें तो हमने दो मेजर चैप्टर्स अपने कवर करे हैं, ठीक है। पहला था हमारा इंट्रोडक्शन, और उसमें फिर हमने जो क्लासेस हैं क्वेश्चंस की वो भी कंप्लीट करी हैं। सेकंड, हमने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो चैप्टर भी पूरा कर लिया है। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमारे दो पार्ट्स हैं। एक था हमारा कौन सा, बताइए फटाफट से। यस, कार्डिनल अप्रोच, और उसको हमने बाय द वे ऑफ यूटिलिटी कंप्लीट कर लिया है। उसका जो दूसरा सेक्शन है यानी कि ऑर्डिनल, वो आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से फॉलो होता है, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच हम बाद में करेंगे किसके, डिमांड चैप्टर के। किसके? डिमांड चैप्टर के। तो फ्रेंड्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर बाय वे ऑफ यूटिलिटी हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, डिमांड, ठीक है। चैप्टर में क्या है, ठीक है, उसको जानने से पहले, वहां पर पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नॉर्मली ये जो वर्ड है डिमांड, ये आपने सुना होगा अभी। बेसिकली डिमांड क्या होता है, हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हम उसे परचेज करके लाते हैं, बाय करके लाते हैं, अपनी डिमांड, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं बाय द वे ऑफ डिमांड। तो नॉर्मली अगर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड हमने यही सुना है कि हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको बाय करके लाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट डिमांड। भाई आपको कभी बुक चाहिए, कभी नया फोन चाहिए, कभी पापा हमें एक्सबॉक्स चाहिए खेलने के लिए, हमें नया बैट चाहिए, फुटबॉल चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो रिक्वायरमेंट आपके सामने आती हैं, इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, डिमांड। ये सब क्या होती है, डिमांड होती है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें, जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे वो हमसे बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे। ऑब्वियसली ये चैप्टर आपने आज से पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन अपनी लाइफ में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में देखने वाले हो जो हमारे साथ डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर होते हैं, ओके। तो पहले तो इस चैप्टर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, बेसिकली डिमांड होता क्या है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर हमें पढ़नी है, एंड उसके बाद फिर उसके बहुत सारे टॉपिक हैं, इवन न्यूमेरिकल्स भी हैं चैप्टर में, वो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है, राइट। डिमांड चैप्टर में, जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो पहले हमें इस चैप्टर में कवर करनी है थ्योरी, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स, एंड उसके बाद हम एक और चैप्टर करेंगे, एंड दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट इज व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये थ्योरी चैप्टर है, एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। थ्योरी चैप्टर जो हम आज शुरू करेंगे, इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहला है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा टॉपिक हमारा होगा, डेफिनेशन को लेकर, उसके रिक्वायरमेंट को लेकर, उसके पॉइंट्स को लेकर अलग अलग। दूसरा जो टॉपिक हम इसमें करेंगे, डिमांड फंक्शन, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा होगा इस चैप्टर में, एंड इसी के अंदर में से एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जाता है। उसके बाद हम अगला जो टॉपिक इसमें करेंगे वो है लॉ ऑफ डिमांड, एंड फाइनली मूवमेंट एंड चेंज, ओके। तो दैट इज द कंटेंट इन द चैप्टर ऑफ थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ डिमांड, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स तो हमें कुछ, सॉरी न्यूमेरिकल कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस तो हमें करने ही करने हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में दो सेक्शन है बस आपके, और कुछ नहीं। एक बेसिक जो डेफिनेशन है बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल्स हम इस चैप्टर में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज होंगी, जो कैटेगरीज होंगी, वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। इज दैट फाइन? तो ये टॉपिक हैं, ये दो चैप्टर हमारे इस क्या कहते हैं डिमांड चैप्टर के अंदर आएंगे। एक हमें करना है थ्योरी एंड कंसेप्ट, और दूसरा हमारा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर डिमांड, और इसके अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या कॉन्सेप्ट हैं, ये सब हम शुरू करने वाले हैं। आइए देखें, तो सबसे पहले अगर पूछें कि भाई चैप्टर क्या है, सर बताइए चैप्टर है डिमांड, तो सर डिमांड क्या होता है, तो डिमांड क्या होता है उस पर जाने से पहले, कैसे ये क्रिएट होता है, कैसे ये बनता है, उस पर जाने से पहले
मैं आपको डिमांड की जो डेफिनेशन है वो क्लियर कर देता हूं पहले, ठीक है? इसको डिस्कस हम करेंगे इन डिटेल, पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। तो व्हाट इज डिमांड? इज डिमांड रेफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड रेफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर willing and able to buy at every possible price during a during a given period of time. ओके, ये एक छोटी सी डेफिनेशन डिमांड की। हाँ जी, छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है। रिपीट कर देता हूं मैं, डिमांड रेफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय एट एवरी पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें ध्यान देने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहले तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ये एक मेन पॉइंट है। उसके बाद है कंज्यूमर्स विलिंग एंड एबल टू बाय। उसके बाद है पॉसिबल प्राइस एंड देन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, याद रखिएगा, ठीक है? इस डेफिनेशन में ये चार चीजें मेन है। सबसे पहला है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, उसके बाद कंज्यूमर्स विलिंग, उसके बाद है पॉसिबल प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? राइट, इस डेफिनेशन को हम इन डिटेल अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिमांड क्रिएट कैसे होती है, डिमांड बनती कैसे है, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं कि भाई के सर हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट थी, हमें इस चीज की डिमांड थी, हमने इसको परचेस किया, दैट्स ऑल, ठीक है? ओके, तो हमें पता है हमें किस चीज की जरूरत होती है, दैट इज आर डिमांड। लेकिन वो जो जरूरत है, वो जो रिक्वायरमेंट है, जो उसे परचेस करने की बात आती है, वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर में किस तरीके से क्रिएट होती है, हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में किस तरीके से क्रिएट होती है, वो हमें समझना है। ओके, सो इस डेफिनेशन का ऑपरेशन करने से पहले, ठीक है, हम पहले ये समझ लेते हैं कि डिमांड तैयार किस तरीके से होती है, किस तरह से बनती है। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज, छोटी सी हेडिंग है, डिटेल हम इसमें नहीं जाएंगे, कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड बनती कैसे है, तैयार कैसे हो जाती है, तो राइट, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे तैयार होती है। सबसे पहली चीज जो डिमांड को क्रिएट करने के लिए चाहिए, डिजायर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब गुड जो हम परचेस करना चाहते हैं, डिजायर ऑफ अ कमोडिटी। ऑब्वियसली हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, स्टार्ट। तो जरूरी बात इसमें यह है कि जो हमने लिखा यहां पे कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी में कभी सोचो इन दोनों के भी हाफ पर डिमांड क्रिएट हो जाएगी, नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है लिस्ट। अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं। हमें किसी चीज की डिजायर होनी चाहिए और वो चीज हमारे नेचर में प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे आपने कहा सर मुझे एक कार परचेस करनी है, ओके, आपने डिसाइड कर लिया मारुति हुंडई वगैरह वगैरह, और जाकर आपने मार्केट में देखा, बहुत सारे ऑप्शन आपने परचेस कर ली। आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई मुझे ये वाला एसी चाहिए, ठीक है, तो आप मार्केट में गए, हिताची, सैमसंग, एलजी वगैरह वगैरह आपने पसंद करा और ठीक है आप खरीद कर ले आए। आपने कहा सर मुझे डॉगी पालना है, मैंने कहा अच्छी बात है, डिजायर आपकी अच्छी है कि सर जिसके तीन सिर हों। अरे भाई ये कौन सी बात हुई भाई, तीन सिर वाला डॉगी तो हमारे नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो ऑब्वियसली कहां से परचेस करोगे, कहां से उसके डिमांड करोगे। तो सेकंड थिंग इज कि वो आपके नेचर में प्रेजेंट भी होनी चाहिए, राइट? डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, प्रेजेंस ऑफ दैट कमोडिटी, ये दोनों चीजें डिमांड के लिए जरूरी हैं। क्या सर इन दोनों से डिमांड क्रिएट हो जाती है? नहीं,
इन दोनों से डिमांड क्रिएट नहीं होती, ये दोनों भी डिमांड के लिए जरूरत है, जरूरी है। तो सर इनसे क्या होता है? इन दोनों से क्रिएट होती है क्या? वांट। क्या क्रिएट होती है? यस, वांट। कोई भी चीज जिसकी आप डिजायर करते हो और वो आपके नेचर में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो आपकी वांट क्रिएट कर देती है, डिमांड नहीं वांट क्रिएट करती है। भाई ऑब्वियस है, आप सबकी तमन्ना है कि हम आगे चल के लंबोर्गिनी परचेस करें, आगे चल के हम हार्ले डेविडसन परचेस करें, ठीक है? ऑब्वियसली ये आपकी क्या है? अभी वांट है। आपको पता है, ऑब्वियसली आप में से कुछ हो बट नॉट ऑल, कि भाई अभी हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम ये गाड़ियां और ये बाइक्स परचेस कर पाए, लेकिन खरीदना तो चाहते हैं ना। तो वो चीज क्या है? आपकी वांट है, वो अभी आपकी डिमांड नहीं बनी है। दैट इज योर डिजायर, दैट इज योर नीड, सॉरी नॉट नीड, दैट्स योर वांट। जहां पर आप उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हो, तत्पर हो, तब वो बनती है क्या? डिमांड। तो इसी कॉन्सेप्ट से जो तीसरा पॉइंट है, दैट इज रेडीनेस टू पे। आप उस चीज के लिए अमाउंट भी पे करने के लिए तैयार हो, यह भी बहुत नेसेसरी कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला सर आप शॉप पर गए कि भाई मुझे ये वाला ऐसी चाहिए, उसने कहा सर आज नहीं है कल आ जाएगा, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं कल ले आना, आप गए आपने देखा एसी आ गया उठा लो, और आपने कहा नहीं पैसे देने की तो बात नहीं थी, ये थोड़ी ना होता भाई, डंडे मार के भगाएंगे तुम्हें वहां से। वो ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज की डिजायर रख रहे हो, मतलब आप उसे चाहते हो, आप उसे खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अमाउंट पे करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सो रेडीनेस टू पे इज ऑल्सो नेसेसरी। आगे, ओके सर, सर रेडीनेस टू पे, हम पे करने के लिए तैयार है सर, पे क्या करोगे? अरे पे क्या करोगे? ऑब्वियसली उसका जो पर्टिकुलर प्राइस होगा। ओके सर, कहां पे करेंगे? ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एंड पर्टिकुलर टाइम पर। ओके, ये फोर पॉइंट्स जो है वो क्लियर है, बाय डिजायर ऑफ दैट कमोडिटी, प्रेजेंस ऑफ दैट कमोडिटी, हमें पे करने के लिए तैयार रहना है, क्या पे करना है? प्राइस पे करना है। ओके सर, प्लेस और टाइम का रोल है? डेफिनेटली जो प्राइस है उसके अलावा प्लेस और टाइम भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। किसी भी कमोडिटी की डिमांड प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग भी होती है। जैसे प्लेस की बात करते हैं, कोई मान लीजिए हिल स्टेशन में है, ऑब्वियसली एम्बुलेंस की डिमांड ज्यादा होगी, कॉफी की डिमांड ज्यादा होगी। टाइम की बात करें, आप समर्स में हैं तो उसमें आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा होगी, अगर आप विंटर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें वूलन्स की डिमांड ज्यादा होगी। तो यहां पर जो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसकी आप डिमांड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना नॉर्मली कि आप भरी गर्मी में दिल्ली में बैठे हो जून में और आपके डिमांड है कि मैं ओवरकोट पहन के बैठूं, मुझे उसकी डिमांड है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहां पर जो टाइम है वो भी डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, डिमांड को बनाने में। इज दैट क्लियर? तो ये पांच चीजें डिमांड को तैयार करती हैं और इसी एनी कंपोनेंट्स के बिहाफ पर डिमांड की ये डेफिनेशन तैयार है। डिमांड, हम खरीदना चाहते हैं, हमारे डिजायर है, किसे खरीदना चाहते हैं? जो मार्केट में अवेलेबल है। सो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जो हम परचेज करना चाहते हैं। ओके, परचेज करना चाहना बहुत जरूरी है, डिजायर रखनी जरूरी है। ऑब्वियसली अगर आप बिना डिजायर के उसको परचेस करके लाए हैं, सो यू आर नॉट अ रैशनल कंज्यूमर, और रैशनल कंज्यूमर वाला कॉन्सेप्ट हम कंज्यूमर एक्सपीरियंस में लेकर चल रहे हैं। सो अगर हम यहां पर बात करें, क्वांटिटी परचेस करने के लिए आपकी विलिंगनेस होनी जरूरी है। ओके, क्वांटिटी परचेस करना चाहते हो, आप विलिंग हो, तो क्या उसके लिए क्या चुकाओगे? एवरी पॉसिबल प्राइस, हर प्राइस का होना जरूरी है। और ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिमांड नहीं होती है, एक पर्टिकुलर पीरियड में डिमांड कमोडिटी की होती है, तो उस पूरे टाइम के दौरान जो भी डिमांड हुई है उसको हम यहां पर कंसिडर करेंगे। इज दैट फाइन? दैट इज द व्हाट डिमांड वी ऑल नोस। अब ये उसको नोट कर लीजिए फटाफट से, अभी डिमांड को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन के साथ। आप लोगों के पास 30 सेकंड्स, आइए इसको नोट कीजिए। डन, ओके, मैं नीचे वाला सेक्शन जो है उसको रब कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं।
हम नॉर्मली एक और डेफिनेशन साथ साथ पढ़ेंगे एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. ये अभी नहीं समझाने वाला मैं आपको, बस मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं. इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये अभी अगली हेडिंग में हम समझेंगे. सो क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन डिमांड से मिलती जुलती है. क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच, अगर आप देखें सेम चल रहा है, विच अ कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसमें जरा डिफरेंस बता दीजिए, तो मैं श्योर हूं कि आप लोगों ने इस डिफरेंस के बारे में ऑलरेडी पता लगा लिया होगा. डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है. फर्क सिर्फ किस चीज का है कि सर यहां पर कुछ ये था एट एवरी पॉसिबल प्राइस, और यहां पर क्या आ गया सर, एट अ, यस क्या आ गया, एट अ गिवन प्राइस आ गया. दोनों डेफिनेशन बाकी ऑलमोस्ट सेम है. सो सर डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस हुआ? मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि फिलहाल अभी आप दोनों को बिल्कुल सेम समझें. दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी थोड़ी देर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इज इट फाइन? ओके, आगे बढ़ते हैं. अगले टॉपिक्स पर अगर हम जाएं तो हमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पता चलेगा. तो अगली हेडिंग है प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड. डिमांड की डेफिनेशन तो हमने लिख ली. डिमांड के बारे में हमने डेफिनेशन को जो कॉन्सेप्ट है उसका कंपोनेंट का वो हमने पढ़ लिया. ओके, तो सर इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफ पर टेबल के जरिए हम कैसे लिखते हैं? तो उसी के लिए ये अगली हेडिंग है. प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा है मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड के अंदर हमें उसका शेड्यूल और स्केड्यूल बनाना सीखना है. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सिमिलरली मार्केट डिमांड में भी शेड्यूल एंड कर्व, शेड्यूल एंड स्केड्यूल. ओके, दोनों अलग अलग एक्सटेंट है. शेड्यूल इज फ्रॉम ब्रिटिशर्स एंड स्केड्यूल जो बोलते हैं वो आपका यूएस एक्सटेंट है. तो भाई आप जिस कंटेंट में, जिस कॉन्सेप्ट में, जैसे जिस भी एक्सटेंट में बोलना चाहें ये आपकी मर्जी है. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड. 15 सेकेंड्स. फाइन, डन, ओके. आइए शुरू करते हैं इंडिविजुअल डिमांड से. सर इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं. बिल्कुल जी, इसकी डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे. इंडिविजुअल डिमांड, सर व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? सो इंडिविजुअल डिमांड इज क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल, राइट? यहां पर क्या वर्ड लिखा है आपने? क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, डिमांड वर्ड नहीं लिखा आपने, कुछ और लिखा है, क्वांटिटी डिमांडेड. क्यों? अभी डिस्कस करेंगे. इंडिविजुअल डिमांड इज क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट
different prices of a commodity. तो अब अभी अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें बिल्कुल कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है. सो यू नो द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब कौन? अकेला. भाई उसकी डिमांड जो है, जो खरीदना चाह रहा है, दैट इज व्हाट इंडिविजुअल डिमांड, अलग अलग प्राइजेस पर. ठीक है, अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? यहां पर हम बना लेते हैं शेड्यूल और यहां पर हम इसका बनाएंगे कर. ओके, अब अगर हम बात करते हैं किसकी? शेड्यूल की. तो शेड्यूल बेसिकली होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन. ओके जी, क्या होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन? इसको हम टेबल के जरिए प्रेजेंट करेंगे. इंडिविजुअल डिमांड को टेबल के जरिए प्रेजेंट करना इज शेड्यूल. इधर आपने कंसिडर करा किसको? प्राइस को. इधर आप कंसिडर करेंगे, मैं अगेन बोल रहा हूं, कौन? क्वांटिटी डिमांडेड. कौन? QTYDD, क्वांटिटी डिमांडेड. शॉर्ट में हम लिखेंगे इसको. और अगेन यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड आया है, डिमांड नहीं आया है. क्यों? आइए पहले इसको पूरा करें. प्राइस कितना है? 10. प्राइस को मैंने कितना एज्यूम करा? 10 एज्यूम करा. क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? एज्यूम कर लेते हैं 100. कोई भी कमोडिटी, मान लीजिए पेन जो मेरे हाथ में है, इसका प्राइस कितना? 10 रुपए है. और अभी कोई भी इंडिविजुअल या मैं जैसे अभी इसकी 100 क्वांटिटी बाय करता हूं, डिमांड करता हूं इतने की. ये प्राइस बढ़ गया 10 से 12 हो गया. ओके, तो डिमांड क्या होगी? ऑब्वियसली डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. भाई ये आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है कि अगर कोई कमोडिटी महंगी होती है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड कम हो जाती है. तो सेम चीज हमने यहां पर लिखी, प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो गई? कम हो गई. प्राइस और बढ़ गया, 10 से 15 हो गया, डिमांड इसकी और कम हो जाएगी. इज दैट फाइन? तो हमने यहां पर यह पढ़ा है कि प्राइस के बढ़ने पर QD, क्वांटिटी डिमांडेड, कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है. और यहां पर यह चीज क्लियर होती है इस टेबल के जरिए कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा जी? यस, नेगेटिव रिलेशन होता है. दोनों एक दूसरे से नेगेटिवली रिलेटेड है. ओके, क्लियर? तो जैसे नॉर्मल हम अपने बिहेवियर में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, अपने फ्रेंड्स के फैमिली के बिहेवियर में देखते हैं कि अगर कोई कम्युनिटी के किसी कम्युनिटी के प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम. और अगर किसी कम्युनिटी के प्राइस कम हो जाए तो डिमांड नॉर्मली बढ़ जाती है. ओके, आइए अब समझते हैं कुछ डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड था कि सर डिमांड क्या था क्वांटिटी डिमांडेड का. देखिए मैं पहले आपको बता दूं, जहां तक किसी चीज को समझाने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड ऑलमोस्ट दोनों सेम है. ऑलमोस्ट दोनों सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस है, बस वो आप समझेंगे. आगे चल के इसको कंफ्यूज मत करना कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या, डिमांड क्या. बाकी आगे चल के हम दोनों को सेम समझेंगे, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है आओ उसे समझ लेते हैं. इस टेबल में अगर आप देखें, मैंने कितने प्राइस लिए हैं? मैंने 3 प्राइस लिए हैं, 10, 12 और 15. उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, क्वांटिटी है, दैट इज 100, दैट इज 90 एंड दैट इज 80. ओके, ये कितना लिखा है भाई बताइए? 10. और 10 के सामने क्या है? 100. तो 100 क्या है? 100 क्वांटिटी डिमांडेड है. 100 क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है. ये क्या है? 12. भाई पहले जब आप 10 की बात कर रहे थे, आपने 12 और 15 को छिपा दिया. ठीक है, 10 के सामने कितना है? 100. 100 इज क्वांटिटी डिमांडेड. 10 को छिपा दीजिए ऐसे, हाँ, और 15 और 80 को छिपा दीजिए. क्या बचा? 12 पर 90. 12 पर 90 का मतलब 90 क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है. बिल्कुल ठीक. ऊपर के दोनों छिपा दीजिए, क्या बचा? 15 और 80 क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड. सर ये क्या हो रहा है? राइट. अब यहां पर अगर आप देखो, 3 प्राइस आपने लिखे थे, लेकिन हर बारी आपने एक सिंगल प्राइस को कंसीडर करा, या तो 10 या 12 या 15. आइदर इट इज 10 और 12 और 15, सारे एक साथ नहीं, सब अलग अलग सिंगल हैंडेडली आप उसको स्टडी कर रहे हो. तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसे कहा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन जब आप पूरे की स्टडी एक साथ करते हो, एक साथ बिहेवियर को चेक करते हो, तो उसे कहा जाता है डिमांड. इन शॉर्ट,
भाई ये डिमांड है और उसके अंदर क्या होता है क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, क्वांटिटी डिमांडेड इज अ नैरो कॉन्सेप्ट. अगर आप सिंगल प्राइस की स्टडी कर रहे हो तो जो वैल्यू आपके सामने आएगी वो क्या होती है क्वांटिटी डिमांडेड. एंड अगर आप सभी प्राइजेस का एक साथ क्या कहते हैं एक साथ स्टडी करते हो और सबको एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हो पूरा रिजल्ट निकालते हो तो सारे प्राइजेस को एक साथ स्टडी करना इज व्हाट डिमांड. इज दैट फाइन. तो ये बेसिकली डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क होता है. फॉर एग्जाम्पल ये पेन दोबारा रिपीट कर लेते हैं कोई भी, चलिए आपसे शुरू करते हैं. आप पेन परचेस करके लाते हो बहुत सारे, आपको एक कोई 20 रुपीज वाला पेन जो है वो पसंद है, वो 20 रुपीज वाला है तो अभी उसके आप 5 पेन खरीद के ले आते हो तो 5 क्या है आपका क्वांटिटी डिमांडेड. ओके 15 हुआ 10, भाई जब प्राइस 15 हो जाएगा 10 हो जाएगा 25 हो जाएगा तब भी तो आप उसकी डिमांड करोगे, तब भी तो आपको रिक्वायरमेंट होगी. तो वैल्यूज चेंज होती रहेंगी. जो एक रिस्पेक्टिव वैल्यू चेंज हुई है उसे क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाता है. और ड्यूरिंग द पीरियड जो भी सब कुछ आपने परचेस करना चाहा, जब भी परचेस करना चाहा, दैट इज योर डिमांड. आपकी रिक्वायरमेंट इज योर डिमांड. इज इट फाइन. तो ये हमने यहां पर इसका शेड्यूल, इसका टेबल तैयार करा. तो शेड्यूल क्या होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन. और कर्व पर अगर हम देखें तो ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ओके किसी चीज को टेबल के जरिए समझाना इज व्हाट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और सॉरी टेबल के जरिए समझाना इज शेड्यूल, और अगर उसको आप कर्व के थ्रू समझा रहे हैं तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी. तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, आइए बिल्कुल सिंपल है. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, ठीक है. आपको वाई एक्सिस पर कंसिडर करना है प्राइस, आपको एक्स एक्सिस पर कंसिडर करना है क्वांटिटी डिमांडेड. वैल्यूज को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहली स्लाइड्स में बताया था, ठीक है. और आगे इसमें अगर हम देखें सरफेस प्रेजेंट कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है. ये क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, दैट इज नेगेटिव रिलेशन, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, बिल्कुल बात खत्म. जब भी कभी नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो कर्व बनता है स्लोप डाउनवर्ड्स इस तरीके से, ठीक है. डिमांड कर्व आप ऐसा बनाएंगे, आप इसको स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है. इसको डी से डिनोट करना सीखेंगे, ठीक है, स्लोप डाउनवर्ड्स. और ये क्या है आपका डी, डी मतलब आपका डिमांड कर्व को डिनोट कर रहा है. सर इसको प्रेजेंट तो बताइए, रिलेशनशिप इस पे प्रूफ हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है. आइए देखो यहां पर मान लीजिए अभी प्राइस पी था, पी ई पर कॉम्बिनेशन बना रहा है और क्वांटिटी कितनी है क्यू, प्राइस पी क्वांटिटी क्यू. ओके सर प्राइस अगर हम बढ़ा दें, बढ़ा लो भाई आपकी मर्जी है. ये प्राइस आपने यहां पर बढ़ा दिया पी से P1 इसको कर दिया. अब नतीजा तो देखिए क्या निकल कर आया, जब प्राइस आपने P1 पर बढ़ाया तो नया कॉम्बिनेशन आपको E1 पर मिला और वो साफ साफ बता रहा है कि क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है, प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो गई. ठीक इसी तरह अगर प्राइस कम कर दिया जाए P2 पर तो आप देखेंगे क्वांटिटी Q2 पर बढ़ जाती है. इज दैट फाइन. तो ये आपका नेगेटिव रिलेशनशिप जो कर्व है वो प्रेजेंट करता है, ठीक है. एक बार दोबारा से, शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन, कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ये हमारा टेबल है और ये हमारा ग्राफ है, कर्व है, ठीक है. आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम, ऑब्वियसली इसमें नोट करने में टाइम ज्यादा लगेगा, फटाफट से इसको नोट कीजिए. 1 मिनट टू यू. फाइन ओके
डन। तो ये हमने टॉपिक कवर करा इंडिविजुअल डिमांड के लिए, ठीक है। अगले टॉपिक पर आते हैं, और अगला टॉपिक जो है वो है हमारा मार्केट डिमांड, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? मार्केट डिमांड। अरे सर आपने ये नहीं मिटाया, अरे ऐसा है क्या? कोई नहीं, आइए इसको मुचेंडिस मुडेंडिस कर देते हैं। सर हैं ये कौन सी भाषा बोलने लग गए? हाँ जी ये नई चीज आपके पास, ठीक है। मुचेंडिस मुडेंडिस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वर्ड को तोड़ मरोड़ कर, पहले वाली बात कह रहे हैं, वर्ड को तोड़ मरोड़ कर, ठीक है। मार्केट डिमांड का मतलब इज क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल इंडिविजुअल्स। व्हाट? क्या? बाय ऑल इंडिविजुअल्स, और डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। भाई सिंपल है, इंडिविजुअल का मतलब क्या था? अकेला, अकेले की जो डिमांड थी वो क्या थी? इंडिविजुअल डिमांड। आपने सबको एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, मार्केट में ए बी सी डी करके बहुत सारे आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बायर्स हैं वो थे, उन सबकी डिमांड को आपने जोड़ दिया, तो वो क्या बन जाएगा? आपका मार्केट डिमांड बन जाएगा। ओके सर, तो सिंपल है। हाँ जी बिल्कुल सिंपल है। इसको अगर हम शेड्यूल के थ्रू और कर्व के थ्रू समझें, तो देखो पहले मैं शेड्यूल बना देता हूं सेपरेटली, और कर्व इसका थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो पहले शेड्यूल बना लेते हैं। इट्स वेरी इजी, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, ए बी सी। सर डी तो लिखिए। नहीं डी नहीं लिखना है भाई, डी की जगह हम लिखेंगे क्या? टोटल। ओके सर, आगे यहां पर कौन आएगा? प्राइस, और प्राइस जो मैंने अभी पहले लिया था मैं वही कंसिडर कर लेता हूं, दैट इज 10, 12 एंड 15, ये आ गया। ओके सर, ए की वैल्यू भी चलिए वही पहले वाले लिख लेते हैं, वो ए था, 100 था, 80 था, और कितना था भाई उसके पास? 60 था, बट एवर जो भी था ने लिख दिया 100, 80 और 60। अब ध्यान दें, जो बी है वो एक अलग कंज्यूमर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बी का बिहेवियर है वो ए जैसा थोड़ी ना होगा। ये 10 पे 100 खरीद रहा था, तो मान लो ये 120 खरीदता है, लेकिन प्राइस बढ़ने पर क्या होगा? ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। बिहेवियर तो सेम होगा ना, भले वैल्यू डिफर कर रही है लेकिन बिहेवियर सेम होगा, और बढ़ने पर और कम हो गई। सी पहले ही बहुत कम खरीदता था, 80 खरीदता था, ये फिर 70 हो गया, फिर 60 हो गया, ये अलग आ गया। ओके आगे, अब यहां पर अगर हम देखें ये ए कौन है, दैट इज आई डी, मतलब इंडिविजुअल डिमांड। ये बी कौन है? आई डी यानी के इंडिविजुअल डिमांड। ये सी कौन है? आई डी यानी के इंडिविजुअल डिमांड। तो ऑब्वियस है, जैसे मैंने बोला, सेपरेट 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 दे आर इंडिविजुअल डिमांड, और सबको अगर आप टोटल कर देते हो तो वो बन जाता है क्या? यस, मार्केट डिमांड। आपने इनको टोटल किया, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 300। आपने इसको टोटल करा, ये कितना आ गया? 260, शॉर्ट 260 रेस। आपने इसका टोटल करा, ये कितना आया? 210। एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये जो यहां पर आया है, ये क्या है? एम डी यानी के मार्केट डिमांड। इज दैट क्लियर? तो जो सिंपल है बिल्कुल, मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ दीजिए, और आपका जो मार्केट डिमांड जो रिजल्ट आया है बेसिकली वो मार्केट डिमांड होगा। ओके, दैट इज द प्रेजेंटेशन थ्रू शेड्यूल फॉर मार्केट डिमांड। इसको नोट करिए 30 सेकंड्स, उसके बाद कर्व बताता हूं। कर्व थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनेगा, नोट इट डाउन। डन, ओके, आइए शेड्यूल पर आते हैं। मैं डेफिनेशन को रब कर रहा हूं, होप आप लोगों ने नोट कर ली होगी। उसके बाद आगे जो शेड्यूल है, आइए उसकी बात करते हैं, और सॉरी कर्व की। तो अभी जैसे आपने किया था, किसमें किया था?
शेड्यूल में ए बी सी अलग अलग सबको लिखा, जोड़ा, तो आपका क्या कहते हैं मार्केट डिमांड का टोटल वैल्यू निकल कर आए। अब यहां पर ए बी ये अलग अलग कंज्यूमर्स हैं, इनका ग्राफ बनेगा, इनका ग्राफ बनेगा, और इसको जोड़कर ए प्लस बी करके हम क्या निकालेंगे यहां पे टोटल, और टोटल ही हमारा क्या होगा एम के टी मार्केट डिमांड होगा। ओके जी, ठीक है सर, बनाइए कैसे बनाते हैं। देखो भाई इजी है, बिल्कुल इजी है, ये एक ही बात हो जाएगी यहां पर, ये बी की बात हो जाएगी यहां पर, और यहां पर आपका मार्केट आ जाएगा एक्स वाई, एक्स वाई, प्राइस इधर आ गया, ये प्राइस सबके लिए रहेगा, ये क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पेक्टिव जिसकी जो है क्वांटिटी डिमांडेड ए के लिए बी के लिए, और ऑब्वियसली यहां पर मार्केट आ जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर अलग अलग होते हैं तो उनका बिहेवियर भी अलग अलग होगा, अगर बिहेवियर अलग अलग है तो डिमांड कर्व भी अलग अलग होगा। ये मैंने डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया है किसके लिए, मान लीजिए ये डिमांड कर्व डी ए, ये ए का डिमांड कर्व हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, कर्व भी, चॉइस इज योर्स, इसका थोड़ा स्टीप कर दिया डी बी, अलग अलग बिहेवियर है, स्टीप डिमांड कर्व, फ्लैटर डिमांड कर्व, इनका मीनिंग क्या होता है वो अभी हम आगे यानी कि नेक्स्ट चैप्टर लास्ट में डिमांड में करेंगे, और ये एक नॉर्मल मैंने डी एम ड्रॉ कर दिया। सर इसके भी आप कैसे ड्रॉ हुआ, देखो भाई बड़ा इजी है, मान लीजिए फिलहाल जो प्राइस है वो पी चल रहा है, और पी पर जो क्वांटिटी है इसकी है ए वन, इसको मैं ए वन नाम दे रहा हूं, राइट, ऑब्वियसली प्राइस क्या रहेगा कॉमन, तो यही प्राइस मैंने फॉरवर्ड करा और इसकी क्वांटिटी आ गई बी वन, ओके, अ कॉमन प्राइस, क्वांटिटी इसकी ए वन है, यही फॉरवर्ड हुआ, इसकी क्वांटिटी बी टू है, ओके सर प्राइस बढ़ा देते हैं, प्राइस महंगा हो गया, क्वांटिटी क्या हो गई कम हो गई, बिल्कुल सही बात है, प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम होती है, यही प्राइस आपने फॉरवर्ड करा तो इसकी B2 हो गई, इसका थोड़ा कम चेंज हुआ पर इट्स ओके, कम हुआ, दैट्स इट, वो हमें चाहिए, ओके, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड फॉर A, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड फॉर B, अब इसका क्या ले देना देना है मार्केट से, यही आपने फॉरवर्ड किया है, यही आपने फॉरवर्ड करा है, ये टकराकर ये पॉइंट आया, ये टकराकर ये पॉइंट आया, आप यहां पर और यहां पर क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, यस मेनी ऑफ यू इज करेक्ट, दैट इज ए वन प्लस बी वन, ये पहले वाला, और कम होने के बाद क्या हुआ, दैट इज ए टू प्लस बी टू, जो वैल्यूज यहां पर आएंगी वो दोनों की, प्राइस पर ये कौन था ए वन था, ये कौन था बी वन था, तो आपने ए वन प्लस बी वन कर दिया, और प्राइस के बढ़ने के बाद जो वैल्यू आई है दैट इज ए टू एंड बी टू, वो वैल्यू यहां पर आएंगी, so that's why the summation of curves for individual is provides the value of market demand curve, okay, जैसे individual demand schedule में था, individuals को add कर दीजिए उनकी values को, वो market बन जाएगा, curves को add करने पर आपका curve बन जाएगा, right, done, आइए note करें इसको फटाफट, 1 minute to you, इसको time लगेगा आपको note करने में, फटाफट से पूरा कीजिए।
डन ओके, थोड़ा टाइम इसमें लगा आपको ज्यादा। आइए तो ये हमने यहाँ पर टॉपिक अपना खत्म कर लिया है, फिनिश कर लिया है, और ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन सेक्शन डिमांड के लिए। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी कि डिमांड भाई क्या होता है, तो बेसिक सा फंडा था कि जो भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर खरीदने की रिक्वायरमेंट रखता है, खरीदने की इच्छा रखता है, उसे क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं, एट डिफरेंट इंडिविजुअल प्राइसेस, डिफरेंट गिवन प्राइसेस। ओके, उसके बाद आगे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, और एक पर्टिकुलर सिंगल कंज्यूमर की डिमांड इज इंडिविजुअल डिमांड, और सारे इंडिविजुअल्स को आपने जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, मार्केट डिमांड। ओके, अब एक सवाल दोस्तों आप लोगों से, हमने जो टॉपिक अभी करा और उसमें जो डिमांड था, क्वांटिटी डिमांडेड था, उसको हमने चेंज किया। चेंज करने में हमने देखा कि क्वांटिटी की वैल्यू कब चेंज हुई थी, जब प्राइस या तो बढ़ा था या प्राइस कम हुआ था। हमने ये देखा प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो गई, और प्राइस कम होने पर जो डिमांड है वो क्या हो गई, यस बढ़ गई, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ गई। अब आप लोगों से जो सवाल है वो सवाल ये है, क्या, रिपीट, क्या सिर्फ प्राइस में ही चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती है या क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है? सोचिए, क्या अकेला प्राइस ही ऐसा है जिसमें अगर कोई चेंज होगा तो डिमांड चेंज होती, क्या उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, बताइए। यस, मेनी ऑफ यू गेस राइट, सर कुछ और फैक्टर्स भी हैं, कौन कौन से हैं? ओके बताइए कौन सा है। सर एक इनकम, हमारी पॉकेट मनी जैसे, अगर वो चेंज हो जाए तो डिमांड पर असर पड़ता है। ओके और कोई बताइए, और कुछ इसमें ऐसा होता है एसएच? सर और अगर हमें देखें तो क्या, ये टेस्ट, ठीक है, बहुत सारी चीजें। ओके आइए उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग जो इस चैप्टर का है वो है डिमांड फंक्शन। अरे सर फंक्शन मतलब, ओके अभी बताते हैं आपको, और करके आप इसको फैक्टर्स या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। ओके ये क्या है सर? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है। डिमांड फंक्शन, एक चीज याद रखना, जहां कहीं पर भी वर्ड आ जाए, कौन फंक्शन, कौन आ जाए वर्ड, फंक्शन, तो फंक्शन वर्ड का मतलब होता है, डिमांड फंक्शन वर्ड का मतलब होता है रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप? फंक्शन वर्ड का मतलब क्या हुआ, रिलेशनशिप, किसके बीच में, जो उससे पहले वाला वर्ड है वो और उसके फैक्टर्स। रिपीट, डिमांड फंक्शन, सर डेफिनेशन, फंक्शन वर्ड जहां पर भी आ जाए आपको नाम याद रखना है क्या, रिलेशनशिप, किसके बीच में, जो उससे पहले वाला वर्ड है यानी कि डिमांड और उसके फैक्टर्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, इज डिमांड फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन, रिपीट, डिमांड फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अच्छा सप्लाई फंक्शन की डेफिनेशन बताओ, आगे पढ़ेंगे लेकिन आप अभी याद कर लो, सप्लाई फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन किस किस में, सर सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ओके वेरी गुड। प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन, सर इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन। तो इन शॉर्ट जहां पर डिमांड फंक्शन या फंक्शन वर्ड आ रहा है उसके अंदर हम वो सारा का सारा कंटेंट पढ़ने वाले हैं, जो प्रभाव डालता है, जो असर डालता है किसके ऊपर, पहले वाले वर्ड के ऊपर, जो यहां पर कितना है, क्या है, डिमांड है। ओके अब तो डिमांड फंक्शन में जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनका असर डिमांड के ऊपर पड़ता है, वो सब हम इस हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। डिमांड फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और दूसरा है मार्केट डिमांड फंक्शन। इज इट फाइन? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। ऑब्वियसली हमने डिमांड को दो पार्ट में डिवाइड करा था तो इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी आपके दो हैं। सर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कौन कौन से हैं? सी, डी से डिमांड, एफ से उसके फंक्शंस, डिनोट कैसे करते हैं, पी, पी आर वाई टी एंड ई। सर ये क्या लिख दिया, हाँ जी ये शॉर्ट फॉर्म है,
यहां पर डिमांड को अफेक्ट करने वाले ये पांच फैक्टर्स हैं। पहला है पी, दूसरा है पी आर, फिर है वाई, फिर है टी और फिर है ई। ये पांच फैक्टर्स हैं, अगर इनमें कोई भी चेंज हो तो डिमांड पर असर पड़ता है। सर पी का मतलब, पी का मतलब है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो हम हालांकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पी आर का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या रिलेटेड कमोडिटी, ओके, कोई दूसरी कमोडिटी का प्राइस। वाई इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो, ओके। टी इज टेस्ट एंड ई इज एक्सपेक्टेड प्राइस। दो प्राइस आ गए भाई, बल्कि तीन आ गए। पी मतलब प्राइस, उस कमोडिटी का प्राइस, पी आर मतलब किसी दूसरी कमोडिटी का प्राइस रिलेटेड, और ई मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस। एक प्राइस तो जो आज होता है, एक संभावना है आने वाले टाइम में क्या होगा, दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड प्राइस। इज दैट फाइन, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब अगर हम बात करें किसकी, मार्केट डिमांड की, सर इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो इसमें डी इज फंक्शन ऑफ पी, पी आर, वाई, टी और ई। सर ये तो आपने सेम ही लिख दिया। हाँ जी बिल्कुल सेम लिखा है, कोई फर्क नहीं है, ये सारे पॉइंट मार्केट को भी अफेक्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा दो चीजें और हम इसमें ऐड करेंगे, दैट इज एन एंड अगेन इज वाई डी। सो एन इज, इन पांचों का मीनिंग तो आपको पता ही है, इंडिविजुअल वाले हैं। एन का मतलब क्या होता है एंड वाई डी का मतलब क्या होता है, सो एन इज पॉपुलेशन, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, पॉपुलेशन, एंड वाई डी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ओके। सो दैट इज द सिनेरियो ऑफ डिमांड फंक्शन, और ये टॉपिक हम अपने डिमांड फंक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब इस स्लाइड में नहीं पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आज जस्ट हमने एक इंट्रोडक्शन लिया कि डिमांड फंक्शन में हमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो कवर करने पड़ते हैं। तो ये आपके सारे इंडिविजुअल के हैं, और ये सभी आपके दो पॉइंट आपके जो एक्स्ट्रा हमने इसमें जोड़े, ये मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे, आज जो हमने किया है, आप इतना कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं था, बस फिर भी आप इसको रिवाइज करिएगा। डिमांड की डेफिनेशन, क्वांटिटी डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, इंडिविजुअल और मार्केट। सिंगल कंज्यूमर के डिमांड इज इंडिविजुअल डिमांड, और अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो मार्केट डिमांड। क्वेश्चन था कि किसी कम्युनिटी को सिर्फ, कुछ कम्युनिटी की डिमांड को सिर्फ क्या उसका प्राइस ही अफेक्ट करता है, नहीं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, और वो कौन से हैं, वो ये सारे हैं। ये सारे हम शुरू करेंगे इन डिटेल अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू, बाय।